जिस तरह से राजस्थान में परिस्थितियां बनी हैं इन 4.5 सालों में, हम सभी लोग जानते हैं, ना तो हमारी माताएं बहनें सुरक्षित हैं, ना हमारे किसानों के साथ जितने वादे किए एक भी वादा पूरा नहीं किया, युवाओं के साथ लगातार 19 बार रीट की परीक्षाओं में उन्होंने जो किया, मुझे लगता है कि सीबीआई की जांच तो होनी ही चाहिए। जिस तरह से इन्होंने पेपर लीक किया है, बार बार युवाओं को कहा पहले तो कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, अब बेरोजगारी भत्ता तो दूर की बात है, कम से कम परीक्षाएं तो करने दो युवाओं को, कम से कम नौकरियां तो दो इन युवाओं को। युवाओं के साथ धोखेबाजी की, हमारे जितने भी हर वर्ग के साथ जो भी इन्होंने वादा किया वो एक भी वादा नहीं हुआ। तो ये जो भ्रष्टाचारी सरकार है, ये जो युवा विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, और सबसे बड़ा गुनाह इनका ये कि इन्होंने महिलाओं के साथ जो अत्याचार होने दिया, इनकी आंखों के नीचे लगातार राजस्थान में लगातार इन 4.5 सालों में जितना अत्याचार हुआ है, जितना दुष्कर्म बढ़ा महिलाओं पे, दलितों पे, हर व्यक्ति पे, हर समाज की हमारी छोटी छोटी बच्चियों पर। कुछ ही दिन पहले साचौर में घटना हुई, उससे पहले बालोतरा में हुई, उससे पहले लगातार मावली में हुई। अब मैं बताना शुरू करूंगी तो मुझे लगता है मुझे यहाँ सुबह से लेके रात हो जाएगी, लेकिन बलात्कार और दुष्कर्म की घटना इतनी हुई है राजस्थान में कि इनको शर्म से यहाँ रिजाइन करके चला जाना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारी महिलाओं के साथ जो हुआ है पूरे राजस्थान, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। इनको तो 2023 में हमारी जो जनसंख्या है 50% महिलाएं हैं, और ये इनको ऐसा मुंहतोड़ जवाब देने वाली है। किसान तो देंगे, युवा तो देंगे, लेकिन मेरी माताएं बहनों के साथ जो अन्याय हुआ है ना, वो ऐसा मुंहतोड़ जवाब देंगे कि इस बार 2023 में ये हमेशा हमेशा के लिए राजस्थान से विदाई लेके जाएंगे। इनके लोग कहते हैं, इनके विधायक कहते हैं, इनके मंत्री कहते हैं, हम लोग फॉर्चूनर में निपट जाएंगे। मैं कहती हूँ आप साइकिल खरीद लीजिए, शायद पता नहीं, शायद उससे भी आवश्यकता नहीं पड़े, पैदल ही आपको जाना पड़े। तो जिस तरह से ये राजस्थान में हो रहा है, ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर हो चुका है, बलात्कार की राजधानी बन गया है। हमारी सब माताएं बहनें इस बात को मान रही हैं कि वीरों की वीरांगनाओं की धरती, महाराणा प्रताप की धरती, रानी पद्मिनी की धरती, मीराबाई की धरती, पन्ना भाई की धरती, त्याग की धरती, बलिदान की धरती, यहाँ पर हमारे राजस्थान को इन्होंने क्या बना दिया है, बलात्कार की राजधानी, क्राइम कैपिटल। आपने देखा होगा कुछ ही दिन पहले, अभी लगातार अखबार में भी आ रहा है कि जितना क्राइम बढ़ा है इस बार, ये तो इस बार इतना ज्यादा बढ़ा है, इतना ज्यादा तो कभी भी राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर क्राइम इससे पहले कभी नहीं बढ़ा। कानून व्यवस्था की जो हालत हो चुकी है, क्यों हुई है ये हालत, ये इसलिए हुई है क्योंकि इनके जितने भी विधायक हैं, जीते हुए हैं, हारे हुए हैं, सारे के सारे मुख्यमंत्री बने हुए हैं, अपने अपने विधानसभाओं के मुख्यमंत्री हैं ये। अभी जालौर की बात तो आपने बताई, लेकिन ना केवल जालौर में, राजसमंद में, जयपुर में, उदयपुर में लगातार, चाहे हम गैंग्स की बात करें, कभी सरेआम दिन दहाड़े राजस्थान में गोली चलती थी, नहीं होता था। ये राजस्थान है, क्या राजस्थान में तुष्टिकरण की राजनीति इससे पहले हुई है, नहीं हुई। दिन दहाड़े ये सब कुछ हो रहा है, इनकी आंखों के सामने हो रहा है, फिर भी ये सरकार चैन की नींद सो रही। मैं आप सबसे कहना चाहूंगी, अब हम सब लोगों को ये ठान के जाना है, संकल्प लेके जाना है कि इस मुक्की बहरी सरकार को हमेशा हमेशा के लिए उखाड़ के फेंकना होगा। इसमें बिल्कुल भी हमको ये नहीं सोचना, क्योंकि ये प्रयास करेंगे, हर बार प्रयास करते हैं कि हम कैसे ना कैसे कुर्सी को पकड़ के रखें। अभी भी 4.5 सालों में गहलोत सरकार ने क्या किया, कोई सड़कें बनाई क्या, कोई कुछ काम किया क्या? अभी पानी की भयंकर समस्या हो रही है पूरे राजस्थान में, उन्होंने कुछ किया?